हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जिन्होंने मेरी जो ये वीडियो की सीरीज है माय फर्स्ट लव स्टोरी की, उसमें पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाइए, कल पोस्ट हो चुका है, देख लीजिएगा। ब्रीफ में बता देती हूँ, मैं अपनी जब कॉलेज में थी, 18 साल की थी, 18 से 19, मतलब इस एज ग्रुप में थी, तो उस टाइम एक लड़के ने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था और मैंने उसको यस बोल दिया था। उसके बाद की आगे की स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलेज में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई थी जिससे मतलब मैं कॉलेज में मिल नहीं सकती थी फिर उसके बाद उससे, ठीक है। और बाहर मिलना मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो टाइम ना मैं रहती थी आउटर सिटी में, क्योंकि उस टाइम मैं मेरी फैमिली के साथ रहती थी, मेरे मायके वालों के साथ, और मेरे मायके वाले रहते थे यहाँ हिसार में, जो सिरसा रोड है ना उससे भी आगे एक सेक्टर, पता नहीं कौन सा सेक्टर है वहाँ पे, आपको पता होगा, वो घोड़ा फार्म के सामने पड़ता है। तो वो हम सिटी से बहुत दूर है, बहुत का मतलब बहुत दूर, वहां पे आप ना जा ही नहीं सकते हो नॉर्मली ऐसे। तो वो बहुत ही दूर, पापा जी को मिल गया था एक वो घर, फ्लैट मिल गया था वहां पर, तो वो जगह अच्छी थी लेकिन वो शहर से दूर थी। अब जैसे ये जगह है, ये शहर से दूर है लेकिन यहाँ मैं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खुद की बाइक है, मेरे पास खुद का व्हीकल है। उस टाइम मेरे पास, मुझे स्कूटी चलाना भी नहीं आता था और वहाँ कुछ ऑटो वाटो मिलते भी नहीं थे, तो वहां से ना जाना बड़ा मुश्किल हो सकता हो जाता था। और जाना भी या तो आपको सुबह जाना पड़ेगा दिन के टाइम, या फिर मेरे फादर छोड़ के आएंगे मेरे को, कभी बाजार मेरे को जाना है मेरे फादर साथ जाएंगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती थी, क्योंकि आते हुए पूरा वो हाईवे एरिया था, अगर शाम हो जाए कुछ भी ना मिले तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो इस वजह से देखो, बाहर भी मैं ज्यादा नहीं मिल सकती थी क्योंकि एक कॉलेज में मिलना मिल नहीं पा रही थी क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट ने मना कर दिया था, मतलब वो चीजें हो गई थी कि आप नहीं मिल सकते। तो और साथ में जो यहाँ पे था, क्या कहते हैं, आपको बता दिया, तो फिर हम कम मिल, एक दो बार मिले, एक दो बार मिले। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट डेट लगा लो, जो जिसको कहते हैं कि फर्स्ट डेट, इस तरीके से जो थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट थी वो हुई थी सन सिटी में, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी। इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, मैं अकेली नहीं आई, मेरी सहेली थी जो मेरी क्लासमेट थी उसके साथ में आई थी। तो वो भी अपने दोस्तों दोस्तों के साथ आए हुए थे, दोस्त मीन्स जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनकी, उनके साथ आए हुए थे, और मेल फ्रेंड्स भी शायद थे, हाँ थे शायद, तो उनके साथ थे, ठीक है। तो मैं आई थी, तो उसके बाद बस थोड़ी सी ऐसी बातें हुई थी, 2 5 7 मिनट ही बातें हुई थी। उनका प्लान था मूवी का, और मूवी का प्लान फिर मतलब नहीं बन रहा था, कुछ कारणों की वजह से नहीं बन पाया था। तो ऐसे ही मतलब फिर 5 7 मिनट मिल के फिर मतलब मैं चली गई। मैंने उस दिन पहनी हुई थी ब्लू कलर की शर्ट और डेनिम की जींस पहनी हुई थी। तो उसके बाद मैं ऑटो करके चली गई, हाँ वापस। तो ये थी मेरी फर्स्ट मुलाकात, सिंपल सी थी, कुछ वो नहीं था, ये था। तो उसके बाद जब सेकंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिली, मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं मिली कॉलेज में, मतलब भी नहीं मिल पाई। तो उस टाइम क्या था कि देखो, जब सेकंड बार मैं मिलने गई तो उसने मुझे लंच पे बुलाया। तो हमारी मुलाकात ना ऐसे ही होती थी, हमारा यहाँ पे एक सेक्टर 15 है ना, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो मुझे बुलाते लंच पे मोस्टली। मूवीज तो बहुत ही कम देखी साथ में, लंच पे ही बुलाते। स्टार्टिंग में जो टाइम था तब हमने मूवीज वगैरह नहीं देखी, शुरू में हम सिर्फ और सिर्फ लंच पे मैं आती थी। तो लंच पे वो बहुत कुछ ऑर्डर कर देते थे खाने में, और मैं कुछ भी नहीं खाती थी क्योंकि मेरे को ना बहुत मतलब उतना नहीं शाय फील होता था, इतना कुछ मंगवा के ऑर्डर करके सामने रख देते थे और वो ऐसे का ऐसा खराब हो के जाता था, मैं नहीं खा पाती थी। तो मतलब ये चीज थी, तो फर्स्ट मुलाकात। अच्छा चलो आगे थोड़ा सा, मैं अब ना देखो, मैं किसी का ना नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं पॉजिटिव बताऊंगी तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी बताऊंगी, क्योंकि देखो हर कोई भी इंसान होता है उसमें पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत होती है, वो थोड़ा सा अच्छा भी होता है और थोड़ा सा बुरा भी होता है, दोनों चीजें होती हैं हर एक इंसान के में। हर इंसान कोई भी साधु संत भी नहीं होता और कोई इंसान पूरी तरीके से बुरा भी नहीं होता है। तो और मैं उसको उस टाइम के लिए उस इंसान को गलत भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो सिर्फ 19 साल का था उस टाइम, आप खुद सोचिए ना, 19 का 20 का, तो वो समझ उस टाइम नहीं होती है जो समझ आज के टाइम में होती है,
क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे समझदारी बनती है, तो उस टाइम नहीं होती इतनी समझदारी, तो ये चीज होती है। तो मैं एक बार की बात है, मैं चली गई, मतलब मेरे पास देखो उस टाइम इतने अच्छे कपड़े तो थे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, थोड़े बहुत थे कपड़े। लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने ना शॉपिंग करी थी जब, मतलब कॉलेज में जाने के लिए, तो उस कॉलेज में जाने के लिए मैंने जो शॉपिंग करी वो मोस्टली जो मेरे कपड़े थे स्लीवलेस कपड़े थे, स्लीवलेस कपड़े थे जो जो मैं खरीदे थे, जो मुझे पसंद थे। तो हुआ क्या कि मैं एक बार कॉलेज में गई, और जो मैंने एक दिन ना जैसे टॉप पहन रखा था वो था बिल्कुल ही, एक होता ना जैसे स्ट्रिप्स जो बिल्कुल इतनी थोड़ी सी थी, मतलब बिल्कुल ही नहीं था ये चीज तो, ठीक है, और इतनी सी थी, और वो कुर्ती थी इस तरीके से, और वो जींस पहन रखी थी। तो मैं कॉलेज में ऐसी घूम रही थी, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उस टाइम कॉलेज में, उस टाइम जो थे, उन्होंने मुझे टोक दिया, मतलब ऐसे कि आप कैसे कपड़े पहन के कॉलेज आ रहे हो इस तरीके से। तो मेरे को बुरा लग गया, क्योंकि मेरी वो फेवरेट कुर्ती थी, और मेरी फ्रेंड बोलती थी तेरे पे बहुत स्टाइलिश और अच्छी लगती है ये वाली। तो लेकिन वो एक्चुअली बात क्या है ना, कि उनको लग रहा था कि ना सारे इसको इस कुर्ती की वजह से इसको घूर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं था, वो मुझे वैसे भी घूरते ही थे लोग कॉलेज में सारे, मतलब वैसे ही, क्योंकि मतलब, लेकिन वो उनको प्रिंसिपल सर को ही लगा कि शायद इसने मतलब थोड़ा सा रिवेलिंग ड्रेस पहनी हुई है इसलिए लोग इसको घूर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल अटेंशन मुझे मिल ही रही थी। बट वो है ना कि चलो कोई बात नहीं उसकी। तो फिर मैंने वो चीज़ ना मैंने उसको बता दी, ठीक है, जो मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम। तो उसने, मेरे को लगा कि वो मतलब मेरी साइड लेगा, मुझे बोलेगा हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसे कैसे सुना दिया, इतनी तो अच्छी ड्रेस लग रही है। बट उसने उल्टा बोला, उसने बोला हाँ तो सही तो कह रहे हैं, इतनी अच्छी लड़की है, थोड़े ऐसे ना ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेसेस कपड़े पहना करना, ये क्या पहन के घूमती है, मतलब इस टाइप से बोला। तो फिर उसने मुझे मना कर दिया, मतलब इस तरीके की ड्रेसेस पहनने के लिए, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, जींस भी पहनो, लेकिन इस तरीके की जैसे होता नहीं बिल्कुल ही स्लीवलेस मत पहनो, ये इसके लिए मुझे मना किया। अब मेरे मोस्टली जो कपड़े थे वो स्लीवलेस थे, तो अब मैं परेशान की, अब उसने मतलब बुलाया है लंच पे, मैं क्या पहन के जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और विंटर्स का समय है, तो मेरे पास एक कुर्ती थी वो भी नई थी, लेकिन वो मुझे भी पसंद नहीं थी सच कहूँ इतनी ज़्यादा, वो बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं थी, अजीब सी थी, और वो अजीब से डिज़ाइन की थी। मैं वो पहन ली, उसके साथ मैंने लेगिंग पहन ली, और मैंने उसके ऊपर मैंने स्वेट शर्ट पहन ली जो कि बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, और पैरों में मैंने सच में चप्पल पहन के निकल ली, मैं चप्पल पहन के निकल ली, मुझे मेरे पास मेरे ख्याल से उस टाइम फुटवेयर्स मेरे टूट गए, मेरी सैंडल टूट गई थी, और मैं रहती थी इतनी दूर, आप समझ रहे हो ना, वहां बिल्कुल ही हाईवे की साइड, वहां कोई दुकान ही नहीं थी, अगर दुकान होती तो मैं रस्ते से पहनने के लिए खरीद लेती ना, बट दुकान नहीं थी, तो मैं एक होता ना बिल्कुल जैसे आप बाथरूम चप्पल में चले जाते हो, और मेरे गीले बाल थे, तो मैं वैसे भी अच्छी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी स्टाइलिश अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो मेरी शायद तीसरी मुलाकात थी, तीसरी होगी या चौथी लंच पे, तो तीसरी मुलाकात थी शायद लंच पे। जब मैं जाती हूँ लंच पे, तो वो सामने से तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, मतलब बस ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई, मतलब 20-25 मिनट लगा लो बैठे थे, मतलब इधर उधर की, बस कुछ भी नहीं सिंपल, मतलब। फिर मैं वापस आ गई, जब मैं वापस आई तो उसने मुझे फोन पे बोला, यार आज ये कैसे कपड़े पहन के आई आज तू, है ना, ये कैसे चप्पलों में आके आ गई, ये है वो है, वो मुझे पहली बार उसने मुझे सुनाया, फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास गई थी मैं बीच में, मेरी फ्रेंड जो थी फीमेल फ्रेंड, उसने भी मुझे इस चीज के लिए टोका था, उसने मुझे बोला था यार निधि तू कैसी बन के जा रही है यार, अच्छा नहीं लगता, तू कुछ अच्छे से बन के जाती, ये था वो था, ये चप्पलों में क्यों जा रही है, ये बात उसने भी मुझे टोकी थी मेरी सहेली ने, और उसको मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा था यार उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वो मुझसे प्यार करता है, और उसको क्या फर्क पड़ेगा मैं क्या पहन के जा रही हूँ क्या नहीं पहन, उसको मुझसे मतलब होना चाहिए ना, मैंने ये बात मेरी फ्रेंड को सुनाई थी, और फिर मुझे इतनी हर्ट हुई यार कि उसको सच में फर्क पड़ा इस चीज का, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं मतलब और मेरी आदत थी, मुझे छोटी छोटी बातें, उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, मैं रो पड़ती थी, और सुनाना जवाब देना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, तो ये फर्स्ट जगह थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आगे से मतलब अच्छे से देख के मतलब पहन के आया करूंगी, जो भी मुझे पहनना है, मतलब फुटवेयर्स वगैरह अच्छे पहन के आया करूंगी। तो उस टाइम क्योंकि मे भी उसको बुरा लगा हो कि हाँ यार होटल में आई हूँ, और मतलब अच्छे से मतलब लोगों ने देखा होगा, मतलब उस चीज से मुझे एक चीज समझ में आई, उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या है, मतलब दुनियादारी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपने से मतलब रखने वालों में से रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहली बार पता चला कि उसकी और मेरी सोच कहीं ना कहीं कुछ चीजों में अब अलग जा रही है, ठीक है, हमारी सोच नहीं मिल रही है।
बट कोई बात नहीं, देखो कहते नहीं कि जब आप ना किसी से को मतलब आप किसी के साथ प्यार में होते हो या आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो आप छोटी 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 चीजें जब सामने ऐसी ऐसी आ रही होती है, चाहे उसने भी मेरी बहुत इग्नोर की होगी स्टार्टिंग में नेगेटिव चीजें, उसको भी मेरी लगी होंगी कुछ ना कुछ, मुझे भी लगी थी, तो इग्नोर करते हैं हम उन चीजों पर, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने भी उस चीज को क्या किया, इग्नोर कर दिया। फिर मैं उसकी थोड़ी पॉजिटिव चीजें देखने लग गई कि चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे प्यार तो करता है ना, ये चीज मैं सोचती थी। ठीक है, तो इसके बाद आपको मैं चीजें बताती हूँ, चीजें मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि गलत कहाँ पे जाने लगी उसके बाद। ठीक है, तो गलत मतलब छोटी छोटी चीजें थी, कोई ऐसे बहुत बड़ी चीजें थी ही नहीं। तो मैं क्या था, उसके बाद मैंने पीजी ले लिया, मैंने हिसार में ही, मैं गर्ल्स पीजी में रहती थी, श्रीराम पीजी था ना मेरे ख्याल से इस पीजी का, यहाँ पे लड़कियों का ही पीजी था सिर्फ, वो नीचे वो मकान मालिक वगैरह रहते थे, ऊपर जो है गर्ल्स का था, और वो पीजी भी उसी ने ही ढूंढा था मेरे लिए। मैंने बोला था क्योंकि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था उस टाइम, और पढ़ाई लिखाई करने के हिसाब से वो था नहीं, चीजें खराब हो रही थी घर में, तो मैंने बोला था मेरे पढ़ाई लिखाई मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती है, तुम मेरे लिए एक पीजी ढूंढ दो, गर्ल्स पीजी। तो उसने ही ढूंढा था जाके वो मेरे लिए पीजी, कि ये वाला पीजी ठीक है, मतलब सारा कुछ देख के आया था, मतलब इस तरीके से सब कुछ उसके बाद उसने फाइनल किया था कि हाँ ये वाला पीजी है। फिर मैंने मेरे घर पे बता दिया था कि इस तरीके से मैं पीजी में जा रही हूँ, मैंने अपना पैकिंग वैकिंग करी, कपड़े लोकल ही हिसार में, क्योंकि वो हाईवे की तरफ रहते थे है ना उस टाइम, और घर में ऐसा पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा माहौल नहीं बन रहा था, तो मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मैंने पीजी लिया। तो गर्ल्स पीजी था, देखो ऐसा नहीं है गर्ल्स पीजी था तो मैं खुल्लम खुल्ला घूमूंगी या छूट मिलगी मुझे, वहां भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी उस पीजी में ना, मतलब करीबन 7 बजे के बाद ना, मतलब वो होती है 7 बजे से पहले आना है, टाइमिंग बतानी है कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। बट वहां पे ये था कि खाना वाना 3 टाइम का मिल जाता था, और मेरे ख्याल से उस टाइम के हिसाब से बता रही हूँ मैं, अब तो पता नहीं कितना महंगा होता होगा पीजी, उस टाइम मेरे ख्याल से वो 3500 रुपए लेते थे, जिसके अंदर उनका उनका बेड भी था, वहां रहना भी था और खाना भी था, 3 टाइम का कह रही हूँ, हाँ 3 टाइम का खाना होता था। तो लंच तो मैं नहीं खा पाती थी क्योंकि लंच टाइम में तो मैं वहां होती नहीं थी, मैं कॉलेज में होती थी, पर सुबह का और रात का खाना मिल जाता था। तो इस तरीके से मतलब वहां पे काफी सारी जैसे गर्ल्स वगैरह थी, 5 कमरे थे, पांचों कमरों में लगा लो कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 लड़कियां रहती थी, 10, 10, 12 लगा लो, 12 लड़कियों का ग्रुप था वहां पे जो रहती थी ऊपर वाले फ्लोर में, वो आंटी का पीजी था। तो मैं वहां रहने लग गई। तो फिर क्या होता है कि मेरे पास, अच्छा मैं कुछ और चीजें बताती हूँ, फिर मेरे पास देखो एक फोन था, ठीक है, वो फोन मतलब क्या, मतलब वहां पीजी में जब मैं रहती हूँ तो उसके बाद वो मुझे एक फोन देता है, मतलब बहुत ही सस्ता आसान, मतलब उसी ने दिया मुझे, खरीद के दिया या क्या उठा के दे दिया होगा कोई भी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसा फोन था, उसको मैं उस फोन का मैंने नाम रखा हुआ था कबाड़ी फोन, मेरी मतलब साथ वाली मतलब पीजी वाली लड़की है ना, उसने रख लिया, अरे तेरा वो कबाड़ी फोन कहाँ है, तो मैं भी उसको कबाड़ी फोन बोला करती थी, उसने मुझे दिया था। वो था मतलब होता नहीं बिल्कुल ही ऐसा था फोन, बस वो ना मतलब ऐवी था, वो बकवास सा फोन था जो उसने मुझे दिया था। वो फोन उसने मुझे, वैसे मेरे पास फोन था मतलब खुद का, लेकिन उसने मुझे बोला कि एक और फोन ले ले क्योंकि कल को हम फोन पे बात करेंगे, तो देख तेरा फोन बिजी जाएगा है ना, फोन बिजी जाएगा, और उसमें दूसरा सिम डाल के उसने मुझे वो नंबर दिया कि बोलते कि अगर बात करनी हो तो इससे करा करियो, इससे मत करियो अपने मेन नंबर से, क्योंकि कल को घर वाले फोन करें और मान लो रात को कभी भी कहीं भी कुछ भी बिजी आ रहा है फोन, तो ना उस चीज से क्या होगा ना कि कल को घर वालों को शक हो जाएगा, इसीलिए एक्स्ट्रा फोन दिया मुझे। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा फोन था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं फिर भी हमने बात नहीं करी कभी, फिर भी बात नहीं करी, क्या कहते हैं ना कि रात को बात करे दिन में बात करे, क्योंकि मैं शुरू से ही देखो मेरा एक टाइम टेबल रहा है, मैं सो जाती थी 9 बजे कॉलेज में और सुबह उठती थी मैं 4 बजे, मेरा ये टाइम मैं बता रही हूँ ना, मैं बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं जाग सकती यार, मेरी नींद ऐसी है, आप यकीन मानोगे, मतलब मैं किसी के लिए नहीं जाग सकती हूँ रात को, तो भाई मतलब कोई कह दे ना कि हाँ भैया रात को 1 बजे तक बात करनी है, मैं नहीं कर सकती 1-1 बजे तक बात, मेरे बस की नहीं है, मेरे को नींद पूरी, क्योंकि मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरी नींद पूरी होनी बहुत जरूरी होती है, और मैं कॉलेज से आके मैं थक जाती थी, तो उसको पता था कि, तो वो मेरे को करता था फोन आई थिंक 8 बजे, वो घर से बाहर जाके बात करता था,
तो वो फोन करता और मेरे से बात, अब यहां से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। जब तक हमारी फोन पे बातें नहीं होती थी, हमारी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही फोन फोन बीच में आ गया ना, फोन पे बात कर दी, वहां से सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि अब मतलब क्या है ना, एक होता है ना, उस टाइम तक मेरा रियल नेचर उसको नहीं पता था, मुझे उसका रियल नेचर नहीं पता था तब तक। लेकिन अब क्या होता है कि जब फोन पे बात होने लग जाए तो मुझे कुछ कुछ चीजें फिर पता समझ में आई। पहली चीज की देखो, मेरे को बात करनी आती नहीं थी फोन पे। मैं वैसे चाहे नॉर्मली बात करूं, लेकिन नॉर्मली भी मुझसे उससे तो बात बिल्कुल नहीं होती थी। वैसे मैं किसी और से बात कर लेती थी, नहीं होती थी यार, बहुत ही ज्यादा डर भी लगता था, शर्म सी भी आती थी, नहीं होती थी। तो मैं वो फोन पे करता, मुझे फोन करता तो यार देखो, मान लो उसने आधे घंटे के लिए बात की, फोन किया, आधे घंटे में से 25 मिनट तो मैं कुछ बोलती ही नहीं थी। मतलब मेरे को बात करनी ही नहीं आती थी, मैं क्या बात करूं, फोन तो दे दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बात करूं। तो कुछ दिन तो ये चीज चली, लेकिन फिर एकदम से जैसे उसको भी लगी होगी, फील हुई होगी कि यार क्या है ये, कैसी लड़की है, तो बोलती नहीं है, बात ही नहीं करती है। मतलब उसको भी थोड़ा सा, एक होता नहीं, सामने वाले का भी थोड़ा इंटरेस्ट जाने लग जाता है जब सामने वाला कुछ भी रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो। तो मेरी तो वो सिचुएशन थी ना कि मैं तो बात ही नहीं कर पा रही थी। अगर वो कुछ पूछता तो एक आधे वर्ड में जवाब दे देती थी, बट मेरे से नहीं हो पाती थी ये लॉन्ग टॉक। और उसने सोचा कि बात करेगी, अच्छे से बात करेगी, बट मेरा उस टाइम नहीं होती थी मेरे से बात, क्योंकि मेरे को सच में बहुत डर लगता था, मेरे से नहीं होती थी। क्योंकि देखो, एक तो साथ में कोई बैठा हो, मेरे को वैसे ही बहुत शर्म आती थी बात करने में, कोई मेरी साथ में मेट बैठी हुई है, मतलब रूममेट, मेरे से नहीं हो रही थी बात, सच में नहीं हुई, मैं हो ही नहीं पाई, मैं कर ही नहीं पाई बात। चाहे कितनी बार भी फोन किया उसने, कितने दिन लगातार मेरे पास फोन किया, और हर बार डिसअपॉइंट होके वापस चला जाता था कि यार ये लड़की बोलती नहीं है, बात ही नहीं करती है। उसको लगा मैं डम्ब हूँ, बेवकूफ हूँ, मतलब इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, मतलब इसका कुछ वो नहीं है, मतलब वो चीजें उसके माइंड में आने लग गई कि यार ये तो बिल्कुल ही वो है, मतलब कहते हैं डम्ब लड़की है, कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो बात करनी भी नहीं आती है ना, वो चीज। तो वो चीजें फिर आने लग गई। अब आगे की बात बताती हूँ। फिर उसने सोचा, अब मैं बताती हूँ, उसने सोचा कि इसको मैं इम्प्रूव करूंगा, इसको मैं आज इसको थोड़ा एक्सपोजर दूंगा, थोड़ा सा इसको मैं बात करने का वो सब, मेरे को उसने ये उसने मेरे पे गिव अप नहीं किया। इसको ये जब उसको पता चल गया मेरे टाइप की लड़की नहीं है, उसने मुझ पे गिव अप नहीं किया। उसको लगा कि मैं इसको अपने हिसाब से की बना दूंगा। मतलब होता है ना, एक चीज होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कि उसका नेचर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले का, और आप सोच रहे हो कोई बात नहीं, इसको मैं अपने हिसाब से बना दूंगा। वहां पे उसने वो चीज सोच ली, यहाँ पे गलत हो जाती है चीज। यहाँ पे उसको मेरे से ब्रेकअप उसी टाइम कर लेना चाहिए था जब उसको पता चल गया मेरे टाइप की नहीं है ये। बट उसने मुझ पर गिव अप नहीं किया उस टाइम। उसको लगा नहीं यार, मतलब देखो लगाव उसका भी था, अटैचमेंट थी मेरे लिए, लेकिन वही है ना चीज कि उसने सोचा कि नहीं इसको मैं चेंज करूंगा। अब वो यार कोई भी इंसान हो, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी कोई चेंज नहीं कर सकता, कितना दम लगा लो वैसे का वैसा ही रहता है ना। तो अब मैं कैसे चेंज हूं, तो मतलब उसने मेरे को ना, मतलब क्या हुआ कि फिर मैं जब बात नहीं करती थी ना, मतलब फोन पे बोलती नहीं थी, अब आप लोगों को भी हंसी आएगी, मतलब ये क्या बातें हो रही है। मतलब तो उसने मुझे ग्रुप डिस्कशन बोला, मैं तेरे साथ ना मतलब ग्रुप डिस्कशन किया करूंगा, GD जो बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। वो बोलता रोज का एक टॉपिक तेरे को बताऊंगा, और तेरे को वो उस टॉपिक पे रात को फोन पे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कर लूंगी। तो उसने मुझे टॉपिक देना शुरू किया, बोलता कि तेरे को ना मतलब इसके ऊपर, जैसे ये सिस्टम होता है ना दहेज सिस्टम, इसके ऊपर बात करनी है, और इसके ऊपर ये तुझे वो बात पॉइंट्स रखने हैं कि ये मतलब क्यों नहीं देना चाहिए, और मैं दूंगा कि क्यों लेना चाहिए, ठीक है, दहेज क्यों लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल लूंगी। उस टाइम देखो वो दौर था जब गूगल नहीं होता था कि आप गूगल से पढ़ के अपना पेपर्स तैयार कर लो। मैं कागज पेन लिया, मैं बैठ के दिन में लिखने लगी। मैं कहा यार क्या क्या पॉइंट लूं, मैंने 2-4 लाइनें तो बनाई किसी तरीके से, नहीं लेना चाहिए, गलत है, ऐसे है वैसे है बस। फिर फोन आया रात को, मैंने बोलता अच्छा बता इस टॉपिक पे बात कर। मैंने कहा कि नहीं लेना चाहिए, गलत चीज है, अच्छा नहीं होता, ये है वो है, बस 2-4 लाइनें बल के मैं चुप हो गई। और वो 10 मिनट लगातार इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, लेना चाहिए, क्या गलत है इसमें, ये है वो है करके, मतलब उसने पूरी की पूरी मतलब सुना दी। फिर मेरे को से पूछता अब बता। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेना चाहिए, मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब ठीक है। फिर वो हंसने लग गया। मतलब उस बात को मैं बता रही हूँ कि मतलब इस तरीके से, मतलब वो GD तक मेरे को बोलने लग गया, मुझे ग्रुप रोज के टॉपिक देने लग गया, बोलते अब इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे। और मैं ऐसे हो जाती यार, मैं क्या बात करूँ, क्या बात करूँ, बताओ ना।
मतलब उसको ये तो समझ में आ गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह तो बात कर ही नहीं सकती है, इसको टॉपिक्स देने शुरू करूं ताकि ये कुछ बोल ले। और मैं तब भी 2 लाइन से ऊपर नहीं बोल पाती थी, कोई भी टॉपिक को मेरे बस का नहीं। ठीक है, 1 मिनट। तो इस तरीके से चीजें हो रही है। 1 मिनट, मैं दवाई लेके आई हूँ, गले की शुरू नहीं करी, फिर मेरा ठीक हो जाएगा। ये गला ना कफ है जो गले का। तो यार अब क्या होता है, देखो अब उसका वो जो है धीरे धीरे, देखो सामने वाला जो है ना फ्रस्ट्रेट होगा ना इस चीज से कि यार मतलब इसको तो कुछ नहीं आया आता। देखो मैं अपनी भी कमी सामने से बताती हूँ, भाई मेरे में कमी है, मैं नहीं एफर्ट्स कर पा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद आगे की सुनना। उसके बाद होता है कि ठीक है यार फोन पे तो वो डिसअपॉइंट हो ही चुका था, मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी उसको नहीं पसंद आ रही थी। अब दूसरी चीजों में भी मतलब उसने मुझे बोला, देखो एक तो था कि बीच में जैसे छुट्टियां आई मेरा वजन बढ़ गया, मेरा 65 kg वजन हो गया था उस टाइम, 65 66, और मैं मोटी हो गई। तो उसको था कि यार थोड़ी सी मतलब वेट कम कर ले, उसने मुझे वेट कम करने के लिए बोला। मतलब कल बोला क्या, बोलती मोटी हो गई है देखना, इस पे थोड़ी एक्सरसाइज किया कर, ये बैली फैट है, ये वो है, इस तरीके से। क्योंकि यार और मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है यार मैं कर लूंगी, वेट कम भी कर लूंगी। तो उस मतलब जो मेरा जो एक्सरसाइज रूटीन जो बना ना उसके बाद कॉलेज टाइम तक 4 साल तक, वो उसकी वजह से बना। उसने मुझे इतना मतलब वो किया, मतलब मोटिवेट कह लो या मेरा दिमाग खाया वजन कम करने के लिए, दोनों चीजें मैं कह सकती हूँ। बट मेरे देखो उसने, उसकी इंटेंशन चाहे क्यों भी हो, ज्यादा था कि मैं फिट हूँ, पतली रहूँ, ये रहूँ, वो मेरे वेट के पीछे बहुत पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। और मुझे ना मेरे को भी लग रहा था कि चल ठीक है मैं कम कर लूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं काफी इस मामले में पंचुअल हूँ, मैं कर लेती हूँ वेट वेट कम, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल वजन कम करने के चक्कर में, 2-3 महीने कुछ नहीं खाया, मेरा हो गया वजन कम। फिर मैं मतलब उसको जब भी पता चला उसने मुझ पे काफी गुस्सा किया, मतलब वेट खाना क्यों छोड़ा, एक्सरसाइज करके वेट कम करना था। मैं तो पूरा पूरा दिन 2-2 3 3 दिन खाना नहीं खाती थी, मतलब इस तरीके से मैंने कर दिया। मैंने कहा यार वेट कम करना है, वेट कम करना है, पर उसने उस मतलब वो चीज बता रही हूँ वजन के ऊपर, तो वेट के ऊपर काफी मेरे पीछे पड़ने लग गया था। मैं इतनी मोटी नहीं थी यार, मैं 65 क्यों, अभी मैं 76 क्यों, आप सोचो ना, अगर मैं आज उसके साथ होती ना अभी भी मैं 58 की होती। मेरे का वजन ना बढ़ने दे, वो सामने वाले का वजन ना बढ़ने दे बिल्कुल भी। तो आगे की बात सुनना, वेट के ऊपर मतलब वो मतलब ज्यादा मतलब हर चीज, मतलब एक आउटर अपियरेंस एक इनर मतलब चीज है, वो चाहता था परफेक्ट हो हर चीज में, परफेक्ट हो। अब मैं उसको गलत नहीं बोलती यार, वो ही वो जस्ट 19 20 उस एज ग्रुप में, समझ रहे हो। तो उस एज ग्रुप की सोच और आज की एज ग्रुप की सोच अलग होती है यार। मतलब उस टाइम लड़का भी, लड़के सोचते हैं कॉलेज में यार उसकी जो गर्लफ्रेंड है सब देख रहे हैं, तो ना परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब अच्छी मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए, हर चीज में सुपीरियर होनी चाहिए, मतलब वो चीजें मतलब वो सोचता था, ढूंढता था। तो एक बार की बात बताती हूँ क्या हुआ कि वो मुझे बोलता कि ना मैं ना एक्सरसाइज जिम, मतलब उसके दोस्त की कोई जिम है वहां पे ना, मतलब कुछ एक्सरसाइज सीख लियो, वहां आज एक्सरसाइज सिखा देंगे, मेरे साथ चलियो। मैंने कहा ठीक है, बोलते वो करा करियो एक्सरसाइज, उससे वेट लॉस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी, मैं तो वैसे ही चली गई। मैंने कहा ठीक है यार इस बहाने चलो मिलेंगे, मेरे को था घूमेंगे मिलेंगे, ऐसे ही था मेरे को, कोई मैं सीरियस नहीं थी एक्सरसाइज वगैरह के लिए कि मैं सोचूं कि एक्सरसाइज हो। तो मैं कहा चल ठीक है चलते हैं। वो मुझे कोई जिम में ले गया, ठीक है वहां एक्सरसाइज के लिए। वहां पे कोई 6 फुट का लड़का मेरे सामने खड़ा है, और वो इतने मतलब ऐसे हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, मैं हंसे जा रही, मुझे हंसी आ रही, मतलब मैं ऐसे मतलब सोच रही यार क्या है ये, मैं सही में यार मुझे इतनी अजीब लग रहा, मुझे इतनी शर्म आ रही उस टाइम। और उस टाइम वो जो लड़का था ना, मतलब वो मुझे एक्सरसाइज बताई, उसने तो बताई 15 20 मिनट में, मैंने थोड़ी बहुत उसके सामने कर भी ली। तो वो लड़का बोलता समझ आ गई, आई थिंक उसका नाम मुझे ध्यान है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे समझ आ गई, आ गई मुझे एक्सरसाइज सारी आ गई समझ। तो बोलता ठीक है। उसके बाद मतलब मैंने बहुत ढंग से कुछ की नहीं एक्सरसाइज, तो उस लड़के ने क्या किया, मेरी चुगली कर दी इसके सामने। बोलता लड़की में तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसी है वैसी है, मतलब
बिल्कुल ही, मतलब ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ऐसे कर दी, मेरी बुराई कर दी उसने, उस लड़के ने, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कि हाँ इसमें तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे भैया मेरे को क्यों होगा कॉन्फिडेंस, मैं कभी जिम में नहीं गई, कभी मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी जिम में जाके, मैं कभी मेल फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमी फिरी। एक लड़का मुझे, मतलब अकेले में, मतलब कोई और है भी नहीं वहां पे, मेरे को मेरे मेरे सामने इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है और कह रहा है ऐसे करो वैसे करो, मेरे से नहीं होगा ना। मुझे तो शर्म आ रही थी पहली बार, और उस टाइम मैं कितने साल की हूँ, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ ना, आप सोचो उस टाइम, मतलब नहीं होती वो चीज, मेरे से नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैंने फिर ना, पता क्या है, मैं करना नहीं चाहती थी, मैं वहां से निकलना चाहती थी। तो वहां पे सबसे पहली पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब हमारा फर्स्ट टाइम जो होता नहीं, एक रिश्ता जो होता है खराब होना, ये लगा लो कि यार मन मुटाव होना, वो वहां से शुरू हो गया। वहां से ये पीक टाइम, पीक चीज थी, क्योंकि उसने मतलब ना, मैंने ना बहाना लगाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने झूठ बोला था, मेरी तबीयत ठीक थी, बट मैं वहां से निकलना चाह रही थी। तो मैंने उसको बोला, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ना अपना घर जा रही हूँ, ठीक है। तो उसको बुरा, पता नहीं क्या बुरा लगा क्या नहीं, वो बोलता ठीक है चली जा। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उसने मुझे बाइक पे नहीं छोड़ा, मतलब मेरे पीजी तक, और मैं आई थी उसके साथ बाइक पे पीजी पे, तो उसका फर्ज बनता था ना मुझे वापस छोड़ना पीजी तक, बट वो अपने दोस्त के पास ही बैठा रहा और कहा चली जा। मतलब मैं समझ गई कि उसको चिढ़ हो गई, बुरा लग गया, मतलब ये जा रही है ऐसे। फिर मैं चली गई, मैं ऑटो लेके गई हूँ वापस, मैं पीजी चली गई, ये चीज हुई। मैंने फिर, मैं मेरा मूड तो बहुत खराब था, मैं रोई भी घर जाके, मुझे बहुत बुरा, छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी, मेरे को लगा यार डिसरिस्पेक्ट कर दी मेरी, कि यार देखना मतलब छोड़ने वापस क्यों नहीं आया। तो फिर ना उसका मेरे पास आया फोन, वो मेरे पे फोन पे चिल्ला पड़ा, मतलब यहां से उसका चीखना चिल्लाना शुरू हुआ मेरे लिए, यार तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी है, मेरा दोस्त ऐसे बोल रहा था तेरे लिए कि तेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये है वो है, मतलब वो चाहता था सारे दोस्त मेरी तारीफ करे उसके सामने। भाई मैं क्या करूं भाई इस चीज में, आप ही सोचो ना, ये था तो बचपन आई, चाइल्डिश चीजें थी, बट वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ही वॉज जस्ट 19, तो वो चाइल्डिश ही होगा उस टाइम, मैच्योरिटी तो टाइम के साथ ही आती है ना। तो फिर मैं भी रोने लग गई, मैंने रोते रोते कहा मुझे चक्कर, मैंने भी कह दिया मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं गिर जाती, मेरी हालत खराब हो रखी थी, तुम्हें क्या पता मेरे को इतनी कमजोरी हो रखी है बॉडी में, ऐसे है वैसे है, तुम मुझे सुनाए जा रहे हो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, बल्कि मुझे कोई कमजोरी नहीं थी, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहे थे, बट मैं कहा अभी यार ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, फिर कहेगा कि तूने एक्सरसाइज नहीं करी। तो अगले दिन क्या होता है, मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरे को बुलाया उसने मैसेज करके कि एक बार इधर आ जाइयो, मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे हाथ में 1500 रुपए रख दिए, बोलते डेली अनार का जूस पी लिया कर, ये बोला उसने मुझे। मैं कहा अच्छा। तो उसके बाद मेरे पास रोज फोन करके पूछता अनार का जूस पिया, अनार का जूस पिया, मतलब एक तरफ तो मतलब सुना भी रहा है, मतलब सुनाता भी है ऐसे इस तरीके से, दूसरी तरफ केयर भी कर रहा है, मतलब मैं क्या समझूं। फिर अगला मेरे को बोलता कि नहीं तू रोज ना मतलब जूस पिया कर, मतलब उसके बाद अगले 3 महीने तक ना वो मुझे हर महीने ना अनार के जूस के लिए 1500 रुपए देता रहा हर महीने, कि नहीं तू जूस पी जूस पी ना, तेरे को चक्कर आ रहे थे उस चीज पे। तो मैं भी क्या बोलूँ, मैं भी भैया पीती रही जूस, मैं कहा कमजोरी थी ना थी कुछ पता नहीं, बट पी लिया बस मैंने, ठीक है नहीं पीऊँ तो फिर वही है, फिर बात पे गुस्सा आए चिढ़ जाए, ये चीज थी। अच्छा फिर उसके बाद में बताती हूँ, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेरा क्या होता है मोबाइल फोन, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, ठीक है। चलो ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में लेकर आती हूँ, ठीक है जी। फिर मैं इसको जल्दी से कवर करना चाहती हूँ, मैं इस टॉपिक्स को, क्योंकि मुझे ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं फिर उस पॉइंट पे आऊंगी ना, जो मेरी सास ने बोला कि हाँ जहर वाली बात, पति ने को जहर दे दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, इस तरीके की चीजें जो बोली थी वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेरी तो ये सारी वीडियोस मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं ना। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करती हूँ।